नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि लैपटॉप हो या डेस्कटॉप के अंदर क्विक हील एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये इसका आपको मैं फुल ट्यूटोरियल बता रहा हूँ कैसे करना है। सभी ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपके पास सीडी होनी चाहिए। सीडी नहीं है तो आपकी पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसके अंदर इसका सेटअप होना है। सीडी रूम नहीं चलता तो आप पेन ड्राइव से यूज़ कर सकते हैं। अगर सीडी रूम ठीक है तो आप सीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सीडी से मैं बता रहा हूँ। और मान लो कि ऐसे आपके पेन ड्राइव तो अपने पेन ड्राइव इसमें अटैच करने। तो ये दोस्तों ये लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो सीडी रूम आपको पता है कहाँ होता है, जैसे ये है जिसके अंदर नहीं वो पेन ड्राइव यूज़ कर सकता है। तो इसको मैंने क्या करा, धक्का देना है और अंदर। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सभी ने ध्यान से देखना है क्योंकि जो मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो प्रॉपरली बताता हूँ क्योंकि आपसे लोगों को समझ आ जाए। तो दोस्तों जैसे मैंने सीडी डाली तो इसमें आ गया रन ऑटो रन EXE। तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, ये क्विक हील एंटीवायरस है। अगर आप यहाँ से नहीं डालते, मान लो कि आपके सिस्टम में ऐसा नहीं आ रहा क्योंकि कई बार विंडोज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट ऑटो रन नहीं होती है, तो नहीं होती है तो ये क्लोज़ कर देते हैं। हमने इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना, माई कंप्यूटर के ऊपर जाना है। ये माई कंप्यूटर है, आप डेस्कटॉप या कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। माई कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। तो जब वहाँ पर कंप्यूटर की तरह बना था, ओपन हमने कर दिया इसको। इसके बाद हमने सीडी रूम में जाना है। अगर सीडी रूम नहीं है तो यहाँ पेन ड्राइव आएगी, रिमूवेबल डिस्क। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर टिक करना है। या तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं होता इंस्टॉल द रन प्रोग्राम ऑफ मीडिया योर मीडिया तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन भी नहीं आता है तो आपने क्या करना है, आपने इसको सीडी को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर बता रहा है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटो रन। ये आप देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है ये ऑटो रन है। ऑटो रन फाइल को आपने इस पर ओपन करना है। अब आपने देखा कि ऑटो रन पर टिक करने के बाद यहाँ पर आ गया इंस्टॉल। इंस्टॉल पर टिक कर देते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग द प्रोग्राम टू मेक द चेंज टू दिस कंप्यूटर। यस, हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं इसकी परमिशन देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है अब सीडी पर की रन करेगी। तो दोस्तों आज आप सीख रहे हैं कि हम क्विक हील एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये क्विक हील एंटीवायरस प्रो इंस्टॉलेशन वर्जन है, प्रो जो होता है इसका अच्छा वर्जन है। तो आप सीख रहे हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद बता रहा है आर यू इंस्टॉलिंग, मैं हाँ मैसेज कर देता हूँ, ओके कंटिन्यू। कंटिन्यू करना है, एग्जिट नहीं करना आपने। अब आपने वेट करना है। तो अभी कुछ विंडोज़ की फाइल कॉपी कर रहे हैं। तो कह रहा है प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन चल रही है। तो सभी ने ध्यान से देखना है। और जिन लोगों को अगर नहीं पता चलता है तो वो मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कैसे करना है। आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर इंटरनेट नहीं है तो आपकी पेन ड्राइव में डाल सकते हो आप। तो सभी ने ध्यान दें, इंटरनेट से ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है, मगर ये कि अगर आप ओरिजिनल वर्जन डालना चाहते हैं। अब आप इसको, मैं इसमें बता रहा हूँ फ्री में कैसे डालते हैं। ये तो फ्री में डाल रहा हूँ, मगर इसको ही आपने ओरिजिनल बनाना है तो कैसे ओरिजिनल करेंगे, उसके लिए आपको सीडी होनी चाहिए। या तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कैसे करना है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों मैं जो भी चीज़ बताता हूँ क्योंकि मेरा भी 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत अच्छी कंपनीज में काम किया है, तो मेरा सबसे ज़्यादा रहता है मोटिव कि लोगों की हेल्प हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं नहीं जानते उस बारे में। ये बहुत छोटी सी बात है, कैसे एंटीवायरस डालते हैं, कैसे ऑफिस डालते हैं, कैसे विंडोज़ डालते हैं। मेरे चैनल के अंदर आपको हर वीडियो मिलेगी। हो सकता है आपको लैंग्वेज का फ़र्क ना पड़े, लैंग्वेज ना पता चले, तो आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखें। लैंग्वेज को मत देखो, वीडियो को ध्यान से देखो कि कैसे मैंने किया है, कैसे, क्योंकि मैं प्रॉपर बताता हूँ कि पहले ये करना है, आपने ये करना है। तो दोस्तों अब आ गया आई एग्री। तो हमने आई एग्री पर टिक करना है, ये आई एग्री है। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है।
इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट कंटिन्यू। हाँ तो अब ये पूरा 100% कंप्लीट होगा, तो तब तक आपने वेट करना है। दोस्तों आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना इसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है सीडी हमारी हैंग हो जाती है, तो सीडी रूम जो होता है बड़ी मुश्किल से काम करता है, और कई बार क्या होता है सीडी रूम बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है, तो इसका होता है सीडी रूम आपका ख़राब हो रहा है, तो आप उसको चेंज कर लें। अगर सीडी रूम ठीक है तो वो कोई आवाज़ नहीं करेगा। कई बार सीडी भी ख़राब होती है, कई बार 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 इंस्टॉल करते हैं मगर वो कंप्लीट नहीं होता, कई बार मिसिंग होती है उसमें, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि एंटीवायरस डालते समय या कोई सॉफ्टवेयर डालते समय, सीडी रूम ख़राब होगा तो भी इंस्टॉल नहीं होगा, अगर वैसे सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं है तो भी इंस्टॉल नहीं होगा, और फिर विंडोज़ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आपने देखा जो हमारा एंटीवायरस वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इसको 1 महीना चलाना है तो रजिस्टर लेटर पर टिक करें, और अगर आप इसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप ओरिजिनल है तो आप इसको डालना चाहते हैं, तो सीडी होगी तो आपके पास ओरिजिनल ही होगा। अगर सीडी किसी के पास से ली आपने तो वो 1 महीना चलेगा। ट्रायल वर्जन जो होता है एंटीवायरस का काम तो करता है मगर वो 1 महीना काम करेगा, उसके बाद नहीं, प्रॉपर काम नहीं करता वो, ध्यान रखना, क्योंकि उसके लिए आपको ओरिजिनल ही ख़रीदना पड़ेगा। ओरिजिनल होगा तो आपको वायरस की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ट्रायल वाला होगा तो महीने के बाद वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपने जैसे रजिस्टर लेटर कर दिया, तो आपने क्या करना है, मान लो कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप रजिस्टर लेटर कर दो, 15-20 दिन महीने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर लो, वो आपको मैसेज जरूर देगा। आपने क्या करना है, अभी जैसे रजिस्टर करना है तो रजिस्टर नाउ पर टिक करना है, तो जैसे आप इंटरनेट चलेगा आपका तो इंटरनेट के ऊपर आपने रिट्राई कर देना है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ये आपको पूछेगा कि कोड क्या है इसका, आपका नाम पूछेगा, एड्रेस, वहाँ पर आपने नाम एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एंटीवायरस एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है, बिना इंटरनेट से कोई भी एंटीवायरस एक्टिवेट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अब हम जैसे हम इसको लेटर कर देते तो 1 महीने तक चलेगा। अब आपको बता दूं कि ये स्कैन कैसे करेगा, तो स्कैन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये मैंने 1 महीने का कर दिया तो मैंने रजिस्टर लेटर कर दिया, ठीक है, इसको क्लोज़ कर देंगे। आप अपनी सीडी को बाहर निकाल लो, उसके बाद आपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। अब मान लो कि ये DEE ड्राइव है, अगर पूरा कंप्यूटर स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करें, ऑटोमेटिक स्कैन कर देगा। तो और जैसे आपने एक ड्राइव स्कैन करना है, तो आपने जैसे मान लो कि ये डी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, तो इसको हमने स्कैन करना है। तो इसको स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और नीचे लिखा होगा क्विक हील एंटीवायरस प्रो स्कैन, इस पर मैं टिक कर देता हूँ, ये देखो। इसके बाद आपको ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रहा है, स्कैन करेगा, अगर वो डिटेक्ट करता है कुछ तो अभी आपको बता देगा इसके अंदर ये वायरस है। अभी अगर ये डिटेक्ट करेगा तो नीचे बता देगा कि कितनी सी फाइल में इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको फिर आपने डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो तब तक आपने वेट करना है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा फाइल नहीं है तो इसलिए जल्दी स्कैन कर देगा, अगर वायरस होगा तो बता देगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हो सकता है थोड़ा धुंधला हो, मगर अगर आप मेरी लैंग्वेज को समझते हैं, भाषा को, तो आप आराम से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने कहा है वो तो आपकी बोर्ड पर आ ही रहा होगा, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो पूरा स्कैन हो गया है, डी ड्राइव तो 100% ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये फिनिश आएगा कंप्लीट जैसे ही होगा, और अभी 99% हो गया, तो ये बता रहा है स्कैनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो नो वायरस फाउंड। तो दोस्तों ऐसे हम एंटीवायरस को इसमें ऐसे हम एंटीवायरस से इसको स्कैन करते हैं। अगर बाई चांस मान लो कि इसके अंदर कोई वायरस आ जाता है, तो आपने वहीं से ही जहाँ से आपने वायरस आया तो वहाँ पर आपने ऊपर फाइल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने रजिस्टर्ड करना है, मान लो कि 1 महीना 15 दिन के, तो आपने यहाँ भी टिक कर सकते हैं, यहाँ रजिस्टर्ड करके जैसे ही आप करोगे तो इसकी ये आपकी फ़ाइल खुल जाएगी, तो
तो आपने रिट्राई करना है, रिट्राई करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।